फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों का बहुत सारा वेलकम है। हम लोग पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करें, एक्सरसाइज 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, और इससे हमें एक आइडियल पॉलिनोमियल का इक्वेशन तैयार करना है। ओके, सो दिस इज द सम ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ लेट द पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में हम इसे मान लेते हैं, और अल्फा और बीटा को इसके जीरोज मान लेते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा मीन्स द सम ऑफ द जीरोज, इट इज ऑलरेडी गिवन 1/4, 1/4, एंड बाई थियरम वी नो दैट इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, इट मीन्स माइनस 1/4 इज द माइनस बी अपॉन ए। ओके, नाउ अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज माइनस 1, दैट इज सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए माइनस 1, इसका मतलब कि ए हमें ऑलरेडी 4 पता है। ये माइनस 1 तभी हो सकता है जब सी की वैल्यू माइनस 4 हो। अब इसी ए बी सी के वैल्यूज़ को हमें आइडियल इक्वेशन में पुट करना है। ए की वैल्यू 4 है, दैट इज़ 4x2। बी की वैल्यू माइनस 4 है, सॉरी, बी की वैल्यू माइनस 1 है, हम माइनस 1 लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स। और सी की वैल्यू माइनस 4 है तो जाएगा माइनस 4। तो इस तरह से जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 4x2 माइनस एक्स माइनस 4। सिमिलरली सेकंड का सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट 2 तभी आ सकता है जब माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 हो। 3 1 जा 3 डिवाइड हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा मीन्स द सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 1/3, दैट इज सी अपॉन ए। ए की वैल्यू 3 हो गई, यानी 3x2। बी की वैल्यू माइनस 3 अंडर रूट 2 है, तो माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स, और सी की वैल्यू 1 है। तो ये पॉलिनोमियल तैयार हो गया। बाकी सॉल्यूशंस को हम बुक से करते हैं। तो फ्रेंड्स, थर्ड वाला जो वैल्यू गिवन है वो सम ऑफ द जीरोज वो 0 ही है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अंडर रूट 5 है। और इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये हो जाएगा x2 माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये इसका आइडियल इक्वेशन बनता है। x2 माइनस 0 यानी सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो कि अंडर रूट 5 है, ये वैल्यू हो जाएगी x2 प्लस अंडर रूट 5। ये बिल्कुल NCERT में ऐसा ही दिया हुआ है। नेक्स्ट जो इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसमें सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी हुई है, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए, माइनस 1/1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी 1 है, यानी सी अपॉन ए, यानी ये भी 1/1 हो जाएगा। यानी ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 है, बस बी की वैल्यू माइनस 1 है। तो इसको हम आइडियली इक्वेशन में अगर रखते हैं तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह बन जाएगा, x2 माइनस एक्स प्लस 1। इसके फिफ्थ वाले सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1/4 दिया हुआ है, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1/4 दिया है, दैट इज़ सी अपॉन ए। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें पता चल गई। अब आइडियली हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x2 प्लस एक्स प्लस 1। नाउ लास्ट वन पे हम मूव करते हैं, दैट इज़ द सिक्स्थ वन। ओके, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोस, इसकी वैल्यू 4 है, इट इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस माइनस 4/1, तब जाके ये हो जाएगा 4। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1 दिया है, यानी 1/1। तो अगर ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ से हम फाइंड आउट कर चुके हैं और इसको हम इक्वेशन में रखते हैं तो फिर से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बन रहा है, एंड द पॉलिनोमियल इज़ x2
माइनस फोर एक्स प्लस वन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर टू भी सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 2.2 का। आगे की एक्सरसाइज को भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको सच में अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।